नमस्कार, मैं विमल शर्मा डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज से। हम आज राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी घोषणा प्रशासन शहरों के संग नगर परिषद क्षेत्र और नगर पालिका क्षेत्र में लगने वाले शिविरों में, जिनके माध्यम से शहरी जनता को उनकी विभिन्न समस्याओं से निराकरण करने के लिए शिविर लगाकर एक ही छत के नीचे उनकी समस्याओं का निराकरण करना। आज जब पोकण की नगर पालिका क्षेत्र में लगाए गए शिविर में, आज जब डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज के पोकण रिपोर्टर सुरेंद्र केवलिया ने स्थल का जायजा लिया, शिविर स्थल का, तो वहाँ का नज़ारा ही अलग था। वहाँ सिर्फ पीएचडी विभाग से कुछ क्लर्क, कुछ बाबू आए हुए थे, उसके अलावा किसी भी विभाग के कर्मचारी अधिकारी मौजूद नहीं थे। इस भीषण गर्मी में आम नागरिक अपना समय जाया करके, और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ उनको लगा कि हमारा कोई काम होगा, मगर वहाँ किसी को न देकर उन्हें निराशा हुई। नगर पालिका के कर्मचारी तक नहीं थे वहाँ, अन्य विभागों की तो बात छोड़िए। जब प्रशासन शहरों के संघ शुरू हुआ था तो इन्हीं पोकरण के विधायक और काबीना मंत्री साले मोहम्मद ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, राज्य सरकार के बड़े बड़े दावे किए थे कि राज्य सरकार इन शिविरों के माध्यम से आम जनता को कई प्रकार की राहत देगी, मगर धरातल पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। शिविर के आगाज के समय काबीना मंत्री साले मोहम्मद ने अधिकारियों को साफ कहा था कि 5,000 पट्टे वितरित करने हैं, मगर आज स्थिति यह है कि वहाँ पट्टे के लिए लोग चक्कर लगा रहे हैं, न तो उन्हें अधिकारी मिल रहे हैं, न कर्मचारी मिल रहे हैं। इस स्थिति में आम आदमी किसके पास जाए, कौन उनकी फरियाद सुने, जबकि सरकार के नुमाइंदे बड़े दावे करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इस शिविरों के माध्यम से क्या क्या काम आम नागरिक के होने थे, उसके लिए आम नागरिक चक्कर लगा रहे हैं। इस अभियान में राजस्व एवं उपनिवेश विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग, कृषि विभाग, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सैनिक कल्याण विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, आयोजना विभाग, पशुपालन विभाग, श्रम विभाग, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग, शिक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सहकारिता विभाग, राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी विभाग, वन विभाग, परिवहन विभाग, रोडवेज विभाग, जल संसाधन एवं सिंचित क्षेत्र विकास, इस तरह से कुल 22 विभाग इसमें शामिल होने थे। मगर आम जन को निराशा ही हाथ लग रही है, क्योंकि सिर्फ ये शिविर खानापूर्ति साबित हो रहे हैं, उसका नज़ारा हम आपको पोकरण के शिविर में दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, डेजर्ट स्टॉर्म में आपका स्वागत है। मैं एक साथ कराऊँ वार्ड नंबर 10 के प्रशासन शहरों के संघ शिविर के अंदर। आप मेरे देख रहे हैं, यहाँ पर मात्र चिकित्सा विभाग और नगर पालिका के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, बाकी जलदाय विभाग, विद्युत विभाग, पीडब्ल्यूडी के एक भी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। लोगों की समस्या यहाँ पर जल पानी की है, तो यहाँ के उनके कर्मचारी एक भी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। लोगों की समस्या बड़ी गंभीर होती जा रही है, लेकिन आज तक यहाँ पर प्रशासन शहरों के संघ के अंदर एक भी अधिकारी विद्युत विभाग से, जल विभाग से यहाँ पर नहीं है। सबसे बड़ी बात, ये शिविर आयोजित किया जा रहा है नगर पालिका द्वारा, उसकी अधिशासी अधिकारी वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, और जो अपनी समस्या किसको बताए, जबकि लोगों का यहाँ पर 3 महीनों से पट्टे के लिए आवेदन किए जा चुके हैं, अभी तक उनको पट्टे नहीं दिए गए हैं। पूरी पैमाइश हो चुकी है, सिर्फ अधिकारियों के साइन करके पट्टे वितरित करने की एक बात है, वो भी नहीं की जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, मेरी पीछे सीटें खाली पड़ी है, यहाँ पर अभी तक कुछ अधिकारी भी यहाँ पहुँचते नहीं है, और कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अपने विभाग में बैठे कार्य कर रहे हैं, यहाँ की प्रशासन शहरों में बहुत मौजूद नहीं हो रहे हैं। पोकरण से सुरेंद्र केवलिया, डेजर्ट स्टॉर्म, पोकरण।
पालिका में करने के लिए दिए थे, अभी तक तो वो पट्टा बना नहीं है, 4 महीने हो चुके हैं। और दूसरी बात, अभी जो कैंप लगा है, हम वहाँ कैंप में गए थे तो वहाँ पर ना तो कोई है ना वाटर बॉक्स का आदमी था, ना कोई पट्टे के लिए कुछ था, और ना हमारे है ना गली में पानी की कोई अच्छी व्यवस्था है, ना पानी बराबर आता है, और है ना लाइट की कटौती बहुत ज़्यादा रहती है। जब देखो जब दिन में मतलब रात में कभी भी लाइट काट देते हैं, जब फ़ोन करते हैं तब यही बोलते हैं वहाँ पे वोल्टेज नहीं है, वहाँ पे आग लग गई है, वहाँ पे तार हिल गया है, वहाँ पे वो हो गया है, ये सुन सुन के हम पक चुके हैं। तो जी बैठे हैं, बाकी कोई जलदाय विभाग अधिकारी है नहीं और बिजली वाला है नहीं, यहाँ पे बिजली की प्रॉब्लम है, तो क्या बोलते हैं वोल्टेज आओ नहीं, क्योंकि गली में एसियाँ लग रही है और पट्टा फाइल जब पहले बार फॉर्म भरे थे, पहले कैंप लगा था 4 महीने पहले तब भरा था, अभी तक पट्टे भी कोई आए नहीं। जी लगा हुआ है वहाँ पे कैंप में कोई अधिकारी है नहीं, हम लोग समस्या लेके वहाँ गए थे, समस्या लेके गए तो वहाँ पे कर्मचारी बैठे थे, कर्मचारी हमारे सुन रहे थे नहीं, अधिकारी वहाँ पे कोई था नहीं, हमारी गली में लाइट बिजली लाइट पानी वगैरह की समस्या है, नालियाँ गंदी पड़ी रहती है हमारे यहाँ पे।